तो दोस्तों टाइम आ चुका है मीम रिव्यू का। तो हमारा पहला मीम ढिंचक पूजा कैरीमिनाटी कांट रेप। ये एक्चुअली कैरी नहीं अपलोड किया है तो तुम मुझ पर नाराज नहीं हो सकते, ठीक है? मैं बस रिव्यू कर रहा हूं। मम्मी प्लीज अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दो, कैरी को सुपर चैट करके पापा को चूतिया बुलवाना है। ओके, तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि ये बच्चे पैसे ला कहां से रहे हैं? चोरी कर रहे हो ना तुम लोग? ये जो बच्चे 2002 के बाद पैदा हुए इन लोगों ने बचपन में गरीबी नहीं देखी। और एक हम थे जो 10 रुपए के लिए घर जाके भीख मांगते थे, एक इमली की डंडी की चॉकलेट, एक और लॉलीपॉप जिनको मैं पूरे दिन बस चूसता रहता था। और आजकल की जनरेशन कोल्ड कॉफी मंचूरियन पिज्जा बर्गर गान में डाल लो। सो गाइस, आज हम खाने वाले सबसे बिग समोसा। अरे यार तू बंद कर दे प्लीज। बड़ा भाई बेरोजगारी के चक्कर में घर पे डिप्रेशन में, और छोटा भाई कैरी को सुपर चैट देके ए गमोले, कैरी भाई ने भी देखो लाइव स्ट्रीम पे चूतिया बोला चूतिया। क्या मतलब मैंने पापा के एटीएम से पैसे चुराए तो चूतिया में हूँ? और फिर कैरी भाई ने कहा मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा 200 में बिक जाएगा, और हमारी हंसते हंसते गांठ फट गई। बट दैट वॉज एक्चुअली फनी। पापा प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे वो पैसे कैरी भाई को सुपर चैट देकर उनसे गाली सुनना है। ट्रू, कपल स्टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप। जुक्को भैया की शकल देखो बस तुम। इस वीडियो की शूटिंग रुको। तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसा न्यूज चला है कि इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक सब कुछ बैन होने वाला है। ये वीडियो मैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए बना रहा हूँ और ये बहुत सीरियस है। इसके पहले ना यार मैं एक टिकटॉक या हुआ करता था, लेकिन जब से टिकटॉक बैन हुआ मुझे मेरे दोस्तों ने लड़का बोलना स्टार्ट कर दिया और मुझे अच्छा लगा। पर फिर बेरोजगारी के चलते मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट बनाया जहाँ से मैं कुछ पैसे कमा के अपने बंदी कैश में बैलेंस डाला देता हूँ, थोड़ा सा खुश होके वो भी चुम्मी उम्मी दे देती है। पर मोदी जी आपसे ये भी ना देखा गया, इंजीनियर भूखे मर रहे थे वो एक बार को सहन हो रहा था, पर अब हम जैसे यूट्यूबर भी। मोदी जी प्लीज ऐसा ना करो, प्लीज बंद मत करो। अरे भाई दिल से बुरा लगता है भाई। कैरी भाई ये 5,000 रुपए का सुपर चैट ले लो, पर प्लीज मुझे मादर चूत बोल दो। यार हो गया यार सुपर चैट वाले मीम, मानता हूँ मैं कि ये फनी है, सच भी है, पर बस इसके बाद एक भी सुपर चैट मीम नहीं, ठीक है? माय फेस व्हेन शी सेंड्स हर पेशाब वाली जगह। ओके दिस कुड बी अस, पर तुम फोटो भेजते ही नहीं भाई, मुंह की बात छील ली। पर उसके लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि लड़की है खाना, तो डेफिनेटली मैं खाने को चुनूंगा। और हाँ, मेरे को जब कोई खाने की रील्स भेजता है तो मैं भी Naughty America. Damn! Sorry. Love it when you are in understanding relationship. आओ, किसी understanding relationship की चैट पढ़ते हैं। Meanwhile, मुझे पिंक ड्रेस में पिक भेजो अभी, बाल खोल के दुपट्टे के बगैर। अगर नहीं भेजी तो मैं बाइक बहुत तेज चलाऊंगा हेलमेट के बगैर। चैट पढ़ के मेरे को यह समझ में नहीं आता कि ऐसे लड़कों को लड़कियां मिल कैसे जाती है। मेरे स्कूल के दिनों में भी यही सीन था यार, मेरे को लगता था मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, पढ़ूंगा, आगे बैठूंगा, लड़कियां इंप्रेस होगी, है ना? घंटा वो लास्ट बेंच पे अजीब सा बच्चा जो विमल रगड़ता है ना, स्कूल की लड़कियां ना उन लड़कों को देख के एक्साइटेड हो जाती है, खुद की चॉइसेस खराब होती है, खुद ऐसे लड़के चुनती है और फिर बोलती है ऑल मेन्स आर डॉग। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं डॉग बनना पसंद करूंगा पर बेड पे। पर ये जो चैट किए ऐसे जो बंदे होते हैं ना उनके चक्कर में लड़कियां हमको भी फुद्दू समझती है, फिर वही ना तो गुलाबी ड्रेस में फोटो मिलती है ना गुलाबी। फिर लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीप तूने वैक्सीन लगवा ली? वैक्सीन तो मेरे दोस्त ने मेरे को परसों फोन लगा के बताया कि उसने वैक्सीन लगवाई, और उसने बताया कि जब उसने वैक्सीन लगवाई तो उसकी आंखें से ऊपर चढ़ गई, नशे हो गए भाई साहब, मतलब शरीर गर्म हो गया, आंखें लाल हो गई।
वैक्सीन है कि ड्रग्स? तो मेरा मानना ये है कि अगर ये ड्रग्स है तो इंजेक्शन से क्यों दे रहे हैं? ऐसा लाइनें बनवाओ और खिंचवाते क्यों नहीं? देखो तुम ही सोचो कितना कूल लगेगा ना कि बाप के सामने बेटा, नहीं हम लोगों की जनरेशन आगे जाके बोलेगी कि हमको तो ड्रग्स गवर्नमेंट ने करवाए। पर उसमें भी यार एक दिक्कत है कि जब प्रो लेवल के नशेड़ी जाएंगे तो एक की जगह तीनों लाइन खींच लेंगे और चाहिए भाई, मुंह की बात छील ली। हाँ ये सब मजाक ही था, वैक्सीन लगवा लेना। लेकिन वरदान, मैं भोसड़ी के बेटे 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 माज कर दी, हाँ माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। घुंघरू टूट गए। सलमान भाई सालों पहले प्रेग्नेंट हो गए थे। क्या बोला तूने? सलमान भाई सालों पहले प्रेग्नेंट हो गए थे। सर उनकी तो शादी भी नहीं हुई, प्रेग्नेंट कैसे हो गए? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। बस 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 बस। सल्लू भाई इफ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज केस मत करना प्लीज। सो इफ यू डोंट नो तो हमारे सल्लू भाई ने केआरके पे, केआरके वही जिसको मैंने रोस्ट किया था गांड, लेकिन ले दे के केआरके बार बार एक ही चीज पे आ जाता है, गांड को हिला के, गांड पे तेरी चिकनी चिकनी गांड। ओके तो सल्लू भाई ने केआरके के ऊपर डिफेमेशन केस किया है। क्यों? क्योंकि केआरके ने राधे पे रिव्यू दिया था। पहले तो मुझे यही बताओ कि रिव्यू बनाने के लिए ही सही, पर राधे देख कैसे सकते हो तुम लोग? और दूसरी बात ये कि राधे जैसी मूवी के लिए कौन केस करता है? अब तुम लोग ही सोचो, अगर सड़क पे गोबर पड़ा है और मैं उस गोबर को गोबर बोल दूं और कल को गाय आके मेरे पे डिफेमेशन केस कर दे, सल्लू भाई गलत बात है यार। मैं सही बताऊं तो राधे मूवी देखने से अच्छा है कि ढिंचक पूजा के गाने बजा दो कान में। ओ मरानी हूँ मैं, हमने पहले भी बोला है कि चूतिए नहीं अमर है हम। और हाँ आज की वीडियो में बहुत कुछ अलग ट्राई किया था, तो यार लाइक मारना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और ये चड्डा कैसा लग रहा बताओ।